नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने सवाल उठाया इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे और सच्चाई बताई आपको, ग्राउंड रियलिटी की क्या होता है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में सारा कुछ। और आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या करना चाहिए आपको एज अ पेशेंट, क्या करना चाहिए डॉक्टरों को और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। हमने सवाल उठाया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मिसट्रस्ट की जो हो रहा है डॉक्टरों पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे ट्रस्ट खोते जा रहे हैं लोग, उसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉक्टर सुनते नहीं, डॉक्टर समझाते नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत महंगी है। ये तीन मेन कारण है और अननेसेसरी टेस्ट होते हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं या किसी का मन नहीं करता, किसी के पास इतना समय नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए हमको, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर डॉक्टर को पेशेंट के पास थोड़ा समय बिताना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पेशेंट को डॉक्टर्स के भरोसा करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर शुड टीच द पेशेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट शुड टीच हेल्थ केयर, हेल्थ बेसिक हेल्थ एजुकेशन शुड बी डन, ये तो है। लेकिन फिर आपसे हमने पूछा तो कई सारे सजेशंस आए, कई सारा रिसर्च हमने किया, निकल के क्या आया कि बहुत ज़रूरी चीज़ है एक पेशेंट को, एक पेशेंट के मामले में क्या करना चाहिए। एक पेशेंट को रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल आपको फ्री केयर देगा और कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लंबी लाइन में नहीं रुकना पड़ना चाहिए और एक फाइव स्टार क्वालिटी आपको मुफ्त मिलनी चाहिए। नहीं, इफ़ यू वॉन्ट अ फाइव स्टार लाइक क्वालिटी देन यू हैव टू पे समथिंग, वो तो है, ऑब्वियस सी बात है। और आपको ये भी नहीं होना चाहिए, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक डिग्री और गूगल सर्च, एक डॉक्टर की मेहनत, उसकी सालों की डिग्री, एक मात्र सिर्फ MBBS करने में उसको 6 साल रगड़ना पड़ता है। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। साइंस पढ़ने के बाद में दो दो एक एक साल प्री मेडिकल में घुसने के, नीट PG एंट्रेंस देने के बाद में, फिर उसके बाद में 6 साल, फिर उसके बाद PG के 3 साल, फिर उसके बाद कोई और स्टडी करते रहते, स्टडी बंद ही नहीं होती। स्टडी उतना, स्टडीज़ को आप एक गूगल सर्च के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल पे इंफॉर्मेशन कोई भी डाल सकता है, राइट? सो आप अगर सिम्टम्स है आपको और गूगल कहता है यू माइट बी प्रेग्नेंट, सो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेग्नेंट नहीं हो, चाहे गूगल कुछ भी बोले, राइट? सो आपको बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? और आपको ये समझना है कि आपको डोंट नीड टू एक्सपेक्ट इमोरैलिटी, राइट? इमोरैलिटी बहुत ख़राब है। पेशेंट्स बीमार होते हैं, बीमारी होती है, वो डॉक्टरों ने नहीं दी बीमारी, डॉक्टर ने पैदा नहीं करी, डॉक्टर ट्राई करता है आपको बचाने का। लेकिन डॉक्टर भी इंसान है, नंबर एक, हो सकता है आपका पेशेंट लाने में देरी हो गई हो, हो सकता है डॉक्टर के पूरी एक चीज़ को समझने में और उस पेशेंट को डायग्नोस करने में भी गलती हो जाए, मिस डायग्नोसिस हो जाए, ये भी बोलता हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बट और पीपल कैन डाई, पेशेंट्स मर सकते हैं, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर वॉज निग्लिजेंट एंड मनी माइंडेड, राइट? जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हमेशा पैसे के बारे में सोच रहा था और इसी वजह से पेशेंट मर गया। सो इमोरैलिटी नहीं रखनी है आपने, समझे? सो यू डोंट हैव टू डू दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक डॉक्टर एक इंसान है और डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। देखो, मेरे सामने ये फैक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आपकी मर्जी है, आप ये कराना चाहो नहीं कराना चाहो तो ये ऑप्शन है, यू शुड टीच गिव एवरी ऑप्शन, राइट? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसके बारे में भी एक वीडियो हमने बनाया जो आएगा कि जब एक पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, एक डॉक्टर उससे क्या बोलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दी एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू हैव टू राइट, एक अगर एक डॉक्टर से गलती हो भी जाती है, एक एरर ऑफ जजमेंट होता है, एक पेशेंट बेहोश है, एक डॉक्टर को पता करना है क्यों है, वो टेस्ट कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो अंतर्यामी नहीं है। कई बार अगर हम ऐसे निकाल के देखेंगे ना, पूरी दुनिया के जितने लोग मरते हैं और उनका जो डायग्नोसिस होता है, कई बार अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो कुछ और ही कारण होता है, उसके शरीर में कुछ और ही डिजीज़ होती है, कुछ और ही होता है, वो नहीं, इंसान एक अंतर्यामी नहीं है कि पता कर लेगा। एक एरर ऑफ जजमेंट इज नॉट मर्डर, राइट? एक डॉक्टर के तरफ से, बट एनीवेज आपके जिज्ञासा समझते हैं, लेकिन आपको ये समझना है वहाँ पर क्या हो रहा है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, ठीक है, राइट?
कोई डॉक्टर किसी अस्पताल का मालिक नहीं है, कोई कॉलेज का मालिक नहीं है कि वो बहुत सारी दुनिया भर की कोई किडनी, आपकी किडनी फेल होगी, लिवर फेल होगी, उसमें ज़रूरी नहीं है किसी डॉक्टर की गलती हो, राइट। और हर डॉक्टर ऑडी पे ऑडी में नहीं घूम रहा, हर डॉक्टर के पास में बंगलो, गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कई डॉक्टर हैं जो गरीब हैं, कई डॉक्टर हैं जिनके पास में मुश्किल से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है, घर भी खुद नहीं बना पा रहे। डॉक्टर एक इंसान है, एक ह्यूमन बींग है, राइट। उसमें भी कई सारी बातें होती हैं, उसके लाइफ में भी झगड़े होते हैं, बीवी से झगड़े होते हैं, बच्चों की टेंशन होती है, घर वाले का टेंशन होता है, कई बार वो भी गलती कर सकता है, उसको भी सर में दर्द होता है, राइट। अब कई सारे लोगों का सर दर्द, मान लो एक स्ट्रेस हेडेक हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है, उसके लिए सीटी स्कैन, कैट स्कैन, एमआरआई स्कैन कराने की ज़रूरत है नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, राइट। आपके 10,000 20,000 पैसे बजार रुपए खर्चा करना चाहिए नहीं कहीं, इसका डिसीजन डॉक्टर लेगा। अब कई बार वो डिसीजन सही निकलेगा, कई बार गलत, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनी माइंडिंग ही है और आपको डॉक्टरों को गालियाँ ही देनी है। जहाँ ये सब सच्चाई है, जहाँ यहाँ पर एक डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट बहुत बड़ी बात है और आपका समझना बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर डॉक्टरों को भी इम्पोर्टेंट है कि दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट, उनको भी सेंसिबल होना है कि आपको ये देखना है कि किस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट। बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट, कि आपको कौन से पेशेंट को कौन सा टेस्ट देना है, अननेसेसरी टेस्ट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दैट, राइट। और एक डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को एजुकेट करना, राइट, और पेशेंट को बहुत ज़रूरी है अननेसेसरी सवाल नहीं पूछना, और पेशेंट्स को और थोड़ा सा खुद का भी हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए पेशेंट्स का। उसके लिए हमने ये वेबसाइट, उसी के लिए हमने ये चैनल बनाया है डॉक्टर एजुकेशन, जिसमें हम स्टैंडर्ड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस आपको देते हैं, खुद के मन से नहीं, स्टैंडर्ड मेडिकल रेफरेंसेस से, राइट, ऐसी जगह से जो बनाई गई है आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन बताने के लिए, टीच करने के लिए, मेडलाइन प्लस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको ऑनेस्ट होना है, ट्रूथफुल होना है, लेस पेट्रनाइजिंग होना है, सिंपथेटिक होना है, ये ज़रूर है, और डॉक्टर को थोड़ा सा समय देना बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट में, थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट में, और समय के साथ में पेशेंट को समझना ज़रूरी है कि कौन सी लिमिट है, कहाँ पर कौन सी चीज़, अगर पेशेंट को नहीं समझे, कई डॉक्टरों को रहता है हम समझाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट के सवाल ही खत्म नहीं होते, एक पेशेंट आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ये होता है। सो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल वे, राइट, यू हैव टू फाइंड अ मिडिल वे, राइट। तो हम भी यही करते हैं, अब 10 पेशेंट, एक हार्ट अटैक का पेशेंट आया, एक रिलेटिव को समझाया, दूसरा आता, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, फिर उसको भी समझाया, फिर तीसरा, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, हम इलाज करें कि समझाते रहें, तो हम कहते हैं भाई एक साथ आ जाओ, या मैं एक पर्सन जिम्मेदारी ले लो, उसको मैं समझाऊंगा, वो सबको समझाएगा। सो देर आर मिडिल वेज, सो डॉक्टर नीड टू टीच पेशेंट्स, डॉक्टर नीड टू स्पेंड टाइम विद पेशेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट इस चैनल का लिंक दे दो कि भाई ठीक है, तुम्हें हर्निया है, जाओ हर्निया वाला वीडियो देख लो डॉक्टर एजुकेशन चैनल में। जी नहीं, मैं अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आई टीच थिंग्स, तो अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो डॉक्टर साहब, तो एटलीस्ट लिंक तो दे दो। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनकी क्लिनिक में मेरे वीडियोस चलते रहते हैं समझाने के लिए, गॉल ब्लैडर, ये वीडियो चलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलाओ क्लिनिक में उल्टे सीधे वीडियो की जगह हेल्थ एजुकेशन वीडियोस चलाओ, क्या दिक्कत है, पेशेंट वेट कर रहा है एजुकेशन हो, गवर्नमेंट को बोलो चलाओ, खुद से बनाओ, मैं नहीं बोल रहा मेरी वीडियो चलाओ भाई, दूसरे वीडियो बनाओ, खुद से बनाओ, चलाओ, एजुकेशन तो दो, स्कूल में दो, कॉलेज में दो, कहीं तो दो, हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत है, राइट। एक डॉक्टर ऐसा नहीं कि गांव में जाना नहीं चाहता, गांव वाले पेशेंट भी दिल्ली दौड़ दौड़ आते हैं, मुंबई दौड़ दौड़ आते हैं, दूर दूर से भाग भाग आते हैं, उनको भी भरोसा नहीं होता वहां पे आए हुए डॉक्टरों पे। सो ये मिसट्रस्ट जब खत्म होगा तब बात आएगी, जब वहां पर भी फैसिलिटी दी जाएगी और वहां पर ट्रस्ट होगा, जब वहां पर गवर्नमेंट उतना खर्चा करेगी, गवर्नमेंट करती नहीं, आप लोग करते हैं। दुनिया में अगर ये बात करें, खाने पीने के बाद इंडियंस सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हैं, हेल्थ केयर पे, लेकिन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा हेल्थ केयर पे नहीं करती, ना ही हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं बेहतर होंगे तो फिर कहाँ बेहतरी आएगी, फिर फ्यूचर कहाँ से बेहतर होगा। सो डॉक्टर्स को स्ट्रीमलाइन करना, मेडिकल एजुकेशन को रीफॉर्म करना जरूरी है, ताकि पेशेंट बेस समझाया जाए, ना कि सिर्फ किताबें रटी जाए, ना कि सिर्फ एमसीक्यूज रटे जाए, लास्ट 5 साल के पेपर्स पढ़े जाएं। मुझसे कभी नहीं हुआ वो, कभी पूरा नहीं किया, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को समझना, राइट।
आपको ना लोग पीछे पड़े हैं नीट नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स को फिक्स करने के लिए. इट्स नॉट एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट ब्रोकन, हु एंटर्स उनको ट्रेन करना इज इम्पॉर्टेंट. जो भी एंटर है, देखिए कोई वैसे ही इंटेलिजेंट होता है, कोई वैसे ही नॉन इंटेलिजेंट होता है, उन सबको ट्रेन करने की जिम्मेदारी किस पे है वो इम्पॉर्टेंट है. कि भाई व्हेन यू पॉलिश समबडी फॉर 5 ईयर्स, इफ़ यू कांट ट्रेन, अगर 5 साल भी किसी को ट्रेन करके आप एक एक समझदार नहीं बना सकते तो फिर क्या बात है, राइट. और बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर पे डॉक्टर पेशेंट के बीच में ट्रस्ट होना. एक जूनियर लेवल डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के साथ एक फैमिली फैमिली डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है. फैमिली डॉक्टर बनाओ अपना कोई ना कोई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक फैमिली डॉक्टर ही आपको समझाएगा भी आपके साथ क्या हो रहा है. फिर फैमिली डॉक्टर ही गलत हो तो वो अलग बात है, लेकिन अच्छा डॉक्टर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल जैसे अच्छा टीचर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी होती है. अच्छे टीचर से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो, ये सच्चाई है. बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, आई लिव अमंग्स डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स. आई कैन टेल यू कि रोज़ के 30-40 पेशेंट देखते हुए भी हम इंसान हैं, हम भी गलती करते हैं, हमें भी लगता है अरे यार वो ऐसा था. हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें ब्लाइंड ट्रस्ट करो, आंख बंद करके जो मैंने बोल दिया वो सच है ना. यू शुड हैव सम फॉर्म ऑफ स्केप्टिसिज्म, इंटेलिजेंट स्केप्टिसिज्म. पर कई बार ब्लाइंड ट्रस्ट काम करता है, एक प्लासिबो इफेक्ट आ जाता है, राइट. लेकिन डॉक्टर्स को फीडबैक चाहिए. अगर मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया, अगर मुझे फीडबैक मिलेगा कि सर ट्रीटमेंट में मज़ा नहीं, काम नहीं आया, राइट. अगर मैं बैठ के बात करूंगा अच्छा क्या नहीं किया क्या नहीं किया, तो मुझे समझ में आएगा ओके दिस थिंग वर्क्स दिस थिंग डजन वर्क, ताकि हमें पता चलेगा कि मोड ऑफ मैनेजमेंट क्या है. बिकॉज एक्चुअली देर इज़ नो फिक्स थिंग हियर. जैसा लोग बोलते हैं ना कि रोबोट हो, ये हुआ तो ये देना, ये हुआ तो ये हुआ, ये देना ये देना, ऐसा फिक्स नहीं है. देर आर ऑप्शन एंड वी हैव टू चूज कौन सा चीज़ करें, कौन सा टेस्ट करें, कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, इट्स अप टू अस. सो डॉक्टर्स नीड योर फीडबैक, आपका फीडबैक चाहिए कि आपको क्या सही लगा आपके इलाज में क्या नहीं, राइट. राइट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और डॉक्टर्स जो हैं 100% कमिटेड नहीं हो सकते, आपको समझना है. कई बार डॉक्टर जो है 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, 365 डेज उनको फोन आ रहे होते हैं सर ये करो वो करो वो करो. हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते. ऑनलाइन कंसल्टेशन 24 घंटे, आपकी इमरजेंसी है सो डॉक्टर सब कुछ छोड़ के आपकी इमरजेंसी में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है. सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, राइट. अगर हम एक डॉक्टर को बिना कुछ सोचे समझे भी ट्रस्ट करते हैं ना, एक कोई डॉक्टर है फलाना ढमकाना जो आपको आप बस उसने जो बोल दिया वो ट्रस्ट है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया वही सच है, तो एक प्लासिबो इफेक्ट ज़रूर हो जाता है. जो ट्रीटमेंट लेंगे उसे ठीक हो जाता है, आदमी लगता है भाई मैं तो ठीक हो गया. प्लासिबो इफेक्ट इज़ वेरी बिग. बट आई विल ऑलवेज एनकरेज कि आप अपने तरफ से एक हेल्दी डिस्ट्रस्ट, एक इंटेलिजेंट स्केप्टिसिज्म रखो कि आपका ट्रीटमेंट क्या है, क्यों हो रहा है. आप उस डॉक्टर से समझने की कोशिश करो या ऑनलाइन समझने की कोशिश करो कि भाई क्या हो रहा है. ऑनलाइन आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत वेबसाइट पे मत जाना. सबसे इंपॉर्टेंट है मेडलाइन प्लस पे जाओ, medlineplus.com. ये बनाया ही आप लोगों के एजुकेशन के लिए है, इसमें दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट सब बताए गए हैं और आपने अपना फीडबैक अपने डॉक्टर्स को देना है. और मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टर आपको समय नहीं देता आप उसके पास मत जाओ. इतना सिंपल सा फंडा है. अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए और आपको लगता है कि कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं है जिसमें स्किल की ज़रूरत है, राइट. एक होता है कि भी ये ऑपरेशन है इसमें डॉक्टर का स्किल है, भी ये डॉक्टर ने 1,000-10,000 सर्जरी की है इसके पास तो ऑपरेशन सही हो जाएगा, तब तो चलो ठीक है. लेकिन एक फिजिशियन, एक जनरल डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर जो आपको समय नहीं देता, इट्स क्वाइट पॉसिबल या तो वो ओवर ट्रीट कर रहा है या तो अंडर ट्रीट कर रहा है या गलत ट्रीट कर रहा है. सो समय दो, समय दो, एजुकेट दो. और दूसरा डॉक्टर जो आपको दूसरे डॉक्टर के खिलाफ बोल रहा है कि वो डॉक्टर सही नहीं है, आयुर्वेद सही नहीं है या एलोपैथ सही नहीं है या ये सही नहीं है, उसके पास भी मत जाओ. ये मेरा सजेशन है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर सकते हो, राइट. बट मेरा सजेशन है. बाकी मेरा सजेशन हर डॉक्टर से है कि उसको भाई साहब एजुकेशन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पेशेंट्स को. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम माई साइड इट्स अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू ऑल डॉक्टर्स, एंड रिक्वेस्ट टू यू टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल डॉक्टर्स एंड ऑल पेशेंट्स, राइट. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.